hello everybody how are you all so I'm your English read uh, English teacher and I'm here again with a new chapter of English reader that is English second so before I begin with the chapter first of all write down today's date on the top of this chapter then classwork and reading ओके okay, आज की डेट आई मीन आप जिस दिन भी इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं ओके सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट टीनू एंड लॉयन टीनू इज अ अ माउस माउस, लिटिल लेट्स सी, टीनू वाज अ टाइनी लिटिल माउस टाइनी मींस वेरी स्मॉल टीनू एक बहुत छोटा माउस था ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट वह फॉरेस्ट में यानी जंगल में रहता था वन डे टीनू केम आउट ऑफिस होल टू प्ले एक दिन टीनू अपने बिल से बाहर आया खेलने के लिए एक दिन टीनू खेलने के लिए अपने बिल से बाहर आया सडनली टीनू हर्ड अ रूर सडनली टीनू हर्ड अ रूर हू रोर कौन रोड करता है यस दैट इज अ अयन अ लॉयन रोड ही वॉज वेरी स्केर्ड स्केर्ड मीन्स डर जाना वो बहुत डर गया कौन डर गया टीनू टीनू डर गया ही डिड नॉट नो वॉट टू डू उसे अब समझ नहीं आ रहा था उसे अब नहीं पता था कि वो क्या करे जस्ट देन

आई एम वेरी सॉरी किंग प्लीज़ लेट मी गो टीनू क्या हो गया था बहुत स्केयर्ड बहुत डर गया था डरते डरते टीनू ने लॉयन को बोला आई एम वेरी सॉरी मुझसे गलती हो गई किंग प्लीज़ लेट मी गो ओकिंग प्लीज़ मुझे जाने दो मे बी आई विल हेल्प यू डे हो सकता है मैं किसी दिन तुम्हारी मदद करूं. टीनू सेड टीनू ने कहा हाउ फनीट दॉय को ये बात बहुत फनी लगी उसे मजाक लगा क्यों मजाक लगा बिकॉज लॉय सोचता था कि मैं तो इतना बड़ा हूँ एक छोटा सा माउस मेरी क्या मदद करेगा सो लॉय सेड हाउ फनी कितनी मजाक भरी बात है कितनी मजाक की बात है हाउ कैन अ टाइनी थिंग लाइक यू हेल्प मी तुम्हारे जैसी छोटी सी चीज़ मुझे कैसे हेल्प कर सकती है एक छोटा सा चूहा कैसे मुझे हेल्प कर सकता है आई एम द किंग ऑफ जंगल मैं तो जंगल का राजा हूँ एनी वे आई विल लेट यू गो कोई बात नहीं मैं फिर भी तुम्हें जाने देता हूँ टीनू थैंक द लॉय एंड रैन अवे टीनू ने लॉयन को थैंक यू बोला और जल्दी से भाग गया फिर देखते हैं क्या होता है आफ्टर मैनी डेज टीनू फॉर अ वॉक बहुत टाइम बीत गया टीनू एक दिन वॉक पर गया घूमने गया सॉ दी लॉयन कॉट इन नेट उसने देखा वही लॉयन जाल में शिकारी के जाल में फंसा हुआ है टीनू ran to the king टीनू दौड़ा दौड़ा लॉयन के पास गया किंग के पास गया आई विल हेल्प यू ओ किंग ही सेड और टीनू ने लॉयन को बोला आई विल हेल्प यू ओ किंग ओ किंग मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। टीनू स्टार्टेड कटिंग द रोप्स ऑफ द नेट और टीनू ने अपने शार्प टीथ से नेट की रोप्स को कट करना स्टार्ट कर दिया और उसने नेट यानि उसने जाल काट दिया थैंक यू लिटिल माउस यू हैव सेव्ड माय लाइफ सेड दी लॉयन अब लॉयन ने टीनू को बोला थैंक यू लिटिल माउस यू हैव सेव्ड माय लाइफ अब लॉयन को फील हुआ कि एक छोटी चीज़ भी कितनी हेल्पफुल है वो एक छोटा सा माउस भी उसकी हेल्प कर सकता उसने उसकी कितनी बड़ी हेल्प की थी ना अगर माउस नहीं आता तो शिकारी यानी हंटर्स लॉयन को पकड़ कर ले जाते है ना लॉयन को मार भी सकते थे उसको हार्म पहुंचा सकते थे बट टीनू ने दो ऑल दो टीनू बहुत छोटा सा माउस था बट फिर भी उसने इतने बड़े लॉन को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया सो so, लॉयन ने टीनू को बोला थैंक यू लिटिल माउस अब लॉयन को अपनी गलती रिलाइज हो गई थी कि उसने टीनू का मजाक उड़ाया था उसे नहीं उड़ाना चाहिए था और उसने टीनू को थैंक यू बोला यू आर वेलकम माय फ्रेंड सेड द माउस विद अ स्माइल और माउस ने भी उसको रिप्लाई में क्या बोला यू आर वेलकम माई फ्रेंड हंसते हुए माउस ने बोला यू आर वेलकम थैंक यू की कोई नीड नहीं है आपने मेरी हेल्प की थी आपने मुझे छोड़ा था तो मैंने भी आपकी हेल्प की है ओके सो दिस वॉज दिस स्टोरी सो हमें इस स्टोरी से मोरल मिलता है मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज यूजलेस इस यूनिवर्स में कुछ भी यूजलेस नहीं है कुछ भी बेकार नहीं है इवन छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे काम आ सकती है हर छोटी चीज़ चाहे वो छोटी है बड़ी है सबका अपना कुछ ना कुछ यूज़ है इसलिए हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए सब इक्वल है हमें नहीं पता कब कौन हमारे कहाँ हेल्प कर दे ओके चलिए नाउ कम टू दी एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए सर्कल दर्ड्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस नंबर वन टीनू वॉज आर लिटिल Lion, cub, or mouse? Yes, mouse. Tinu was a little mouse. Tinu came out of his hole to play. Tinu was very scared to see the lion. He saw the lion caught in a net. The lion thanked Tinu. Exercise B Who said these words and to whom?

लॉयन ने बोला था लॉयन टू टीनू यू आर वेलकम माय फ्रेंड ये किसने बोला था दिस वर्ड्स टीनू टीनू टू लॉयन नाउ कम टू एक्सरसाइज डी मैच दी वर्ड्स मैच दी एनिमल्स विद साउंड्स आपको लाइक ए पार्ट में आपको एनिमल्स दी हुए हैं और बी पार्ट में आपको उनकी साउंड्स दी हुए हैं So, आपको एनिमल्स को उनकी प्रॉपर साउंड से मैच करना है जैसे फर्स्ट वन इज डॉग डॉग सेज सेज कैट मू अज बो सेज क्वाक क्वाक क्वक क्वैक सेज क्लक क्लक नंबरिंग करना है लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है ओके एक्सरसाइज ई रीअरेंज टू मेक अपोजिट्स ऑफ वर्ड्स आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके आगे आपको कुछ जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं ठीक है आपको उनको प्रॉपर्ली अरेंज करना है ताकि वो जो गिवन वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड बन जाए जैसे फर्स्ट वन इज शार्प शार्प का अपोजिट ब्लंट टाइनी ह्यूज स्ट्रॉन्ग वीक फुलिश वाइज काइंड क्रूअल, फ्रंट बैक Exercise F. Fill in the blanks with correct letters. First one is G R A P E S, grapes. Second, plant, P L A N T. Third, drum, D R U M. Fourth is frog, F R O G. See, exercise G. आपको यहाँ पंक्ुएशंस पंक्चुएशन मार्क लगाने लाइक फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन हैव यू सीन द ताजमहल इट इज़ अ क्वेश्चन तो लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आई हैव बीन टू दि जू लास्ट में आएगा फुल स्टॉप टीनू डिड नॉट नो वॉट टू डू लास्ट में आएगा फुल स्टॉप वॉट वुड यू लाइक फॉर लंच

ऑन हम कब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है अंडर जब किसी चीज़ के नीचे होती है अगर किसी कोई चीज़ अंदर है इफ़ समथिंग इज़ इनसाइड समथिंग दैन वी यूज इन इफ समथिंग इज लाइक किसी चीज़ के नीचे है देन अंडर कुछ चीज़ अगर किसी के ऊपर है दैन ऑन दप इज़ इन द टब कैट इज़ अंडर द टेबल The eggs are in the nest. The frog is on the log. Exercise I. Look at the pictures and take the correct words. Mary is at the farm. Lamb is under the tree. A bird is on the fence. The ducks are in the pond. A ladybird is on the flower okay and exercise l this is your homework you have to complete it by yourself okay so that's it in this chapter see you in the uh, see you with the next chapter in the next class till then take care and bye everybody